खेल की शुरुआत होती हुई। इस वक्त सुनील वाडके और उनके साथ सोहेल आते हुए दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर। एक गेंद का खेल हो चुका है। रोशन यादव टोल नाका एंड के जानिब से गेंदबाजी होती हुई। रुका हुआ खेल इस वक्त दोनों अंपायर्स इस वक्त आफ्ताब अंसारी और हसन मोबिन, तीसरे अंपायर जो इस वक्त रेस्ट लेते हुए शानू कुरैशी मैन फ्रॉम मुमरा, जिन्होंने पटघर टेनिस क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ दी एक अलग। सोहेल के लिए इस वक्त एक गेंद का खेल हो चुका है। रोशन यादव मुड़ते हुए सनत जय सूर्या भेवंडी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट समर्थबा दिशा दी गेंद को, गेंद चली गई डीप थर्ड मैन की रीजन पर चार रनों के लिए। गेंद थी कट कर दिया था, सिर्फ दिशा दी थी शॉट थर्डमैन की, खिलाड़ी को गेंद बीट करती हुई डीप थर्डमैन के बाहर चार रन। चौके के साथ खाता खुलता हुआ एसीसी पड़गा साजिद शेख फैम टीम और सोहेल शेख का। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट रोशन यादव मरतबा सवाल पूछा लेकिन इंपैक्ट लेग स्टंप को मिस करता हुआ शॉट लॉन्ग लीग की दिशा पर गेंद को उठाया लेग बाइक के रो एक रन पूरा होता हुआ। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक्स्ट्रा के मदद के साथ पाँच बिना किसी नुकसान पर। पावर प्ले का खेल चलता और गायकवाड सर अभी तक रोशन यादव की हम अच्छी लेंथ और लाइन पर गेंदबाजी देखते हुए। नक्कीच आतापर्यंत धाव फलकावरती धावा धडकल्यात पाच चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते। भिवंडीचा सनत जयसूर्या म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं आहे, अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि सप्तानगर संघासाठी अनेक वर्ष आपण पाहतो आहे तो चांगल्या पद्धतीनं कामगिरी करतो आहे। दरम्यान छोटासा रनअप 8-10 पावलांचा भरभक्कम चरीयष्टी आपल्याला पाहायला मिळते। रोशन पुढे सरसावत मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न सुनीलचा, परंतु चेंडूच्या रेषेत न येता खेळण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि त्याचमुळे कुठेतरी आपल्याला निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतो आहे। चांगल्या चेंडूची हाताळणी पेरणी करतो आहे रोशन। पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे, पॉवर प्लेचं षटक आहे, परंतु पॉवरफुल गोलंदाजी पाहायला मिळते। रोशन गोलंदाजी सज्ज, समोरच जाईल सुनील। आता मात्र आपण पाहतोय चांगल्या चेंडूला सन्मान केला जातोय, कवरमध्ये चेंडू धाडला जातोय, चुकीच्या पद्धतीची फेकी ज्या पद्धतीनं या ठिकाणी फेकी केली होती भीमसेननं, चुकीची फेकी होती, यष्ट्यांचा अचूक वेध घेण्यात अपेक्षित ठरतोय। एक धाव धावफलकावरती आपल्याला वाढलेली दिसून येते, बिनबाद धावा झळकतायत 6। दरम्यान रोशन आणि सामोरा जाईल डावखुरा फलंदाज सोहेल। रोशन की अगली गेंद सोहेल शेख के लिए, स्मर्तबा मोड़ दिया गेंद को वाइड ऑफ लॉन्गन की दिशा पर, विजय ने गेंद को उठाया, इस बीच एक रन पूरा करते हुए। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन बने 7 बिना किसी नुकसान पर एसीसी पड़ गए। हालांकि पावर प्ले के खेल में रन बनती चलती हुई एसीसी पड़गा के लिए और अच्छी गेंदबाजी समाप्त हुई संघर्ष समतानगर की तरफ से। नक्कीच आपण पाहिलं तर टिचून मारा केला गेला, तिकट मारा केला गेला, कंजूष भरी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 फलकावरती बिनबाद 7 धावा, गडीबाद करण्यात यश मिळालं नाही मात्र धावांना लगाम लावण्यामध्ये पूर्णपणे यशस्वी ठरत आहेत। वास्तविक पाहायला गेलं तर लगाम हा घोड्यांना लावला जातो,
परंतु या ठिकाणी मात्र गोलंदाज रोशन धाव संख्येला लगाम लावतोय. निश्चित रोशन की रोशन भरिया में गेंदबाजी देखते हुए जिसमें बहुत तेज चमक थी और उसके कारण सिर्फ 7 रन, हालांकि सफलता नहीं मिली कोई भी पावर प्ले की खेल में, लेकिन बहुत अच्छी हम गेंदबाजी देखी रोशन के माध्यम से. देखना बस दूसरे ओवर के लिए किसको गेंदबाजी पे लगाते हैं. अनीश छन्ना आते हुए इस वक्त निराश सभी खिलाड़ी डगआउट में, साजिद शेख फैमिली में सीसी पड़गा और समीर शेख के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी नजर आती हुई. सुपियान शेख इस वक्त थोड़े से निराश नजर आते हुए अपने टीम से. कल एसीसी के स्पॉन्सर आए थे सजावट का गेम देखने के लिए, आज समीर शेख आते हुए एसीसी पड़गा का गेम देखने के लिए, लेकिन एक ही घर में दोनों भी तलवार बनी है. खेल की शुरुआत होती भी स्ट्रगल करती भी, और इस मैदान पर हम 16 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक साजिद शेख का शो दिखने वाले, जिसमें दशरथ पाटिल, सुभाष धुमाल, गायकवाड़ सर, कई महान कमेंटेटर्स हम देखने वाले, और लाइव टेलीकास्ट उसका भी रहेगा. छोटी गेंदी छोड़ दिया ज्यादा कटी वाइट, अनीश छन्ना आते ही दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8. अनिश जाधव गोलंदाजी करतोय, पहला चेंडू स्वेर चेंडू 8 डावा धाव बलकावरती सामोरा जातोय डावकरा फलंदाज सोहेल, पुढचा चेंडू आता मात्र आपण पाहतोय सुरेख सुंदर चेंडू खोलवर टप्प्याची, या ठिकाणी अनिश पेरणी करतोय, कुठेही अतिरिक्त मुभा मिळत नाही सोहेलला, एक निर्धा चेंडू पाहायला मिळतोय धाव बलकावरती, धावा झळकत्यात बिनबाद 8. और इस वक्त पडगा टेनिस क्रिकेट में जिन्होंने अब अंपायरिंग का रोल भी अदा किया है, नैनू गोरले का आगमन होता हुआ वेलकम. मर्तबा तेज की थी बैट्समैन को, पढ़ कर गेंदबाजी होती भी अनिश छन्ना की, हालांकि बैट्समैन ने कदमों का इस्तेमाल किया था और तेज की थी गति में परिवर्तन, इससे पहले लेग ब्रेक की थी हालांकि बैट्समैन के लिए. सोहेल शेख इस वक्त कठिनाइयां महसूस करते हुए, कुल मिलाकर रन संख्या आगे बढ़ती हुई 9 बिना किसी नुकसान पर. यहाँ से अब गियर को चेंज करना होगा एसीसी पड़गा को, लेकिन आने वाले बैट्समैन में सुफियान शेख, मयूर, सलमान, महेश, कई ऐसे स्टार खिलाड़ी है जो रन बना सकते हैं अपने टीम को, लेकिन स्ट्रगल करती भी इस वक्त एसीसी पड़गा. नक्की ज्या पद्धतीने गोलंदाजी होते अनिश कडनं जर कौतुक करावं लागेल, कारण पुढचा चेंडू आता मात्र आपण पाहतोय लो फुल टॉस चेंडू फ्लाइटेड चेंडू मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये धाडला जातोय, पळून एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय आणि 2 धावा लिहिल्या पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावेच्या जोरावरती धाव फलकावरती बिनबाद 11 धावा धडकत आहेत. फ्लाइटेड चेंडू हे टाकले जात आहेत, वैशिष्ट्य आहे नक्कीच अनिशच्या गोलंदाजीचं. मर्यादित षटकाचे जेव्हा सामने असतात तेव्हा गोलंदाज फ्लाइटेड चेंडू देत नसतात, परंतु या ठिकाणी लालच दिली जाते अनिशकडनं, बिलकुल मजबूर किया था शॉर्ट्स खेळणे के लिए. फिर से हाफ ट्राई कर, लेकिन बैट्समैन के रीच के बाहर वाइट. दिशा इन गेंदबाजी इस वक्त लेग ब्रेक करने की कोशिश में लगातार फ्लाइटेड गेंदों का भरमार करते हुए, हालांकि जिस तरह से उनकी टीम के एक अच्छे खिलाड़ी योगेश धुंधे हमेशा फ्लाइट देते हैं लेग ब्रेक करते समय. स्मर्तबा घूम के मार दिया, एलिवेशन नहीं बना शॉट के पीछे विजय गेंद के नीचे और पहला विकेट का पतन होता हुआ सुनील वारके के रूप में. कह सकते गायकवाड सर जाल में फंसते हुए, हालांकि काफी निराश किया था बैटिंग ऑर्डर में सुनील वारके ने और अपना विकेट फेंक दिया. हालांकि शॉट बहुत खराब खेला था, शॉट के पीछे एलिवेशन नहीं था, गेंद बल्ले के बीच में पूरी तरह से नहीं लेते, अपने आप को पोजीशन में भी नहीं लाया था बैट्समैन सुनील ने और विकेट नंबर 1 गिरता हुआ सुनील के रूप में. नए बैट्समैन सलमान शेख, लेकिन सामना करते हुए इस वक्त सोहेल.
नक्कीच आपण जर पाहिलं तर तीन चेंडूंना सामोरा गेला सुनील आणि तीन धावा केल्या होत्या. एक मोठा मासा आहे जाळ्यात अचूक अडकला गेला जातोय. स्लोवर चेंडूची हाताळणी केली होती. फ्लाइटेड चेंडूचा भडीमार आणि त्या जोरावरती कुठेतरी त्रस्त करून टाकलेले एसएससी पडगे संघाच्या फलंदाजीला. दरम्यान अनिश गोलंदाजी करेल, सामोरा जाईल डावखुरा फलंदाज सोहेल. आता मात्र आपण पाहतोय स्वतःच्या शरीराला विरकी दिली आणि डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू धाडला जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात होता. अतिशय सुरेख झेल टिपला जातोय. दुसरा झटका, दुसरा फटका एसएससी पडगे संघाला. अब कठिनाइयां महसूस करती हुई साजिद शेख फैम टीम एसीसी पड़गा राइजिंग स्टार पड़गे के खिलाड़ी कुछ खुश नजर आते हैं इस वक्त. जैसी विकेट गिरती है एसीसी पड़गा की तो राइजिंग स्टार के खिलाड़ी इस वक्त खुश नजर आते हुए. नए बैट्समैन मयूर आ चुके. रुका हुआ स्कोर 12 रन. स्मर्तबा अच्छी गेंद, बीट वे सलमान. गेंद चली गई विकेट कीपर पप्पू के पास. दो ओवर्स की समाप्ति के बाद गायकवाड़ सर अब कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि एसीसी पड़गा इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है. नक्कीच आपण जरा पाहिलं तर ज्या पद्धतीने गोलंदाजी झाली कौतुक करावं लागेल. पहिल्या षटकामध्ये रोशननं 7 धावा दिल्या. अनिशनं मात्र त्याच्यापेक्षा अधिक टिचून मारा केला. कंजूस मारा पाहायला मिळाला. केवळ 5 धावा दिल्या आणि 2 महत्त्वपूर्ण गडीसुद्धा बाद केलेले आहेत. त्यात जोरावरती धावफलकावरती 2 गड्याच्या मोबदल्यात 12 धावा झळकत्या. 4 षटकांचा सामना आहे. 40 जर अधिक धावा उभारल्या गेल्या नाही तर एसएससी संघ इथे आपण पाहतोय नक्कीच त्यांची अडचण वाढणार आहे. तर तिसरं षटक आताळण्यासाठी सज्ज गोलंदाज समतानगर संघाकडनं आपल्याला पाहायला मिळतोय रोशन भोईर. निघते अब तिसरी ओवर के लिए रोशन भोईर इस वक्त आते हुए टोल नाका एंड के जानिब से. तीसरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है और रोशन आते हुए अटैक पर. क्या योगेश धोंडे टीम में शामिल नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई. जब भी संघर्ष समतानगर टीम खेलती है पड़गा टेनिस क्रिकेट में तो फिर उसकी रीढ़ की हड्डी योगेश धोंडे को माना जाता है. रोशन मुड़ते हुए सामना करते हुए मयूर राइट आर्म ओवर दी विकेट. स्मर्तबा देखना क्या कुछ हुआ वहाँ पर. गेंद चली गई शॉर्ट लॉन्ग लेग की दिशा पर. एक रन इस बीच पूरा करते हुए सिंगल के साथ 13 पर जाता हुआ स्कोर. मर्ताबाद पंच कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा पर. बढ़िया फील्डिंग डीप में एक रन. सिंगल और डबल से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला तो नहीं है संघर्ष समतानगर टीम के लिए. देखा जाए तो श्री गायकवाड सर कुल मिलाकर 14 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर. रनों के लिए इस वक्त लड़ती हुई एसीसी पड़गा टीम. अगली गेंद रोशन भोईर की. फुल टॉस गेंद उठा दिया लेकिन ग्राउंड के अंदर और बढ़िया कैच विजय के द्वारा. वस्तू आहे आणि आता मात्र सुफियान ज्युनियर
मैदानामध्ये प्रवेश करतोय. कशा पद्धतीने यापुढील धावा जोडल्या जातील हे पाहणं रंजक ठरणार आहे. चांगल्या पद्धतीने फटका खेळला होता, मात्र मयूर बाजून तंबूत परतलेला आहे. दरम्यान सुफियान ज्युनियर मोठ्या अपेक्षा असतील. अजूनही मैदानामध्ये सलमान आहे. सलमान आता मात्र आपण पाहतोय खोलवर डब्याचा चेंडू, नक्कीच एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये धाडला जातोय. दर्शनीय गुड्डूकडनं क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. कर्णधार आहे स्वतः संघाचा. एक धाव एका धावची जोरावरती 15 धावा 10 फलकावरती निश्चित अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते रोशन भोईरकडनं. रोशन गोलंदाजी करतोय, समोर जातोय सुफियान ज्युनियर. सारी भिस्त सारी आशा ही केंद्रित झालेली एस सी सी पडगे संघाची सुफियानकडनं. एक चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय लॉंगऑफच्या क्षेत्रामध्ये. दर्शनीय क्षेत्रक्षण. केवळ एक धाव एका धावीच्या जोरावरती 10 फलकावरती धावा झळकत आहेत. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 16 धावा. तीनों भी गेंदबाजों ने अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है. सिर्फ इस पारी में एक बाउंड्री लगी है जो सोहेल शेख के रूप से इस मतलब उठा दिया गेंद को दूर कहीं गिरती भी 6 रनों के लिए. मोड लगी थी 6 रनों की. काफी देरी के बाद गायकवाड़ सर अब एसीसी के बल्लेबाज जागते हुए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद देखा जाए तो फिर 22 रन 3 कीमती विकेट गवाने के बाद. नक्कीच आपण पाहिलं तर तिसऱ्या षटकात शेवटच्या चेंडूवरती प्रहार झाला आणि षटकार मारला गेला. 22 धावा 10 फलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात हाणामारीचं षटक असेल चौथं षटक. सुफियान शेख ज्युनियर त्याचप्रमाणे सलमान शेख या दोन्ही फलंदाजांवरती भिस्त असणारे एस एस सी पडगे संघाची. नक्कीच कशा पद्धतीने हाणामारीच्या आहे षटकामध्ये धावा गोळा केल्या जातात पाहूया. आता गोलंदाजी मात्र आपल्याला पाहायला मिळते कुरुंद एंडकडनं केली जाते. पवन गोलंदाजी सज्ज आहे. नाव पवन आहे. पवन म्हणजेच वारा. वाऱ्याप्रमाणे चेंडू येतोय का वेगानं हे पाहणंसुद्धा रंजक ठरणार आहे. समतानगर संघाचा हा छोटा चढीचा खेळाडू आहे, गोलंदाज आहे. पवन गोलंदाजी करेल, त्याला सामोरं जाईल तडाकेबाज धडाकेबाज सुफियान शेख ज्युनियर. अच्छे अच्छोके छक्के छुडाने वाले ये बल्लेबाज. तर पाहूया सुफियान शेख ज्युनियर कशा पद्धतीने सामोरा जातोय. पवनच्या माऱ्याला पहिलाच चेंडू पुढे सरसावतो. मोठा प्रहार आपल्याला पाहायला मिळतोय मिड विकेटच्या वाडी क्षेत्रामध्ये. अतिशय दर्शनीय चौकार, दणदणीत सणसणीत खणखणीत चौकार. अपने तेवर को बदलते हुए तीखे तेवर में नजर आते हुए उछलता हुआ स्कोर 26 है. और अब थोड़ी सी चिंताएं कम होती हुई एसीसी पड़गा के खेमे में और अब आशाएं जीवित होती हुई बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने की. अन्य वाले बैट्समैनों में रवि भी एक अच्छे स्ट्राइकर है. देखना है किस नंबर पर उनको भेजा जाता है. उस पीछे की तरफ राहुल नटवरलाल स्वप्निल कई ऐसे बैट्समैन है जो एसीसी की कमान सौंप सकते हैं. लेकिन सुफियान शेख जब तक क्रीज पर रहेंगे तब तक संघर्ष समतानगर के लिए खतरे की घंटी बजती रहेंगी. हालांकि सुफियान शेख बची हुई 5 गेंदों पर अगर 10 या 15 से अधिक रन बनाते तो एक अच्छा टोटल जहां पर संघर्ष समतानगर को टेस्ट किया जा सकता है. पवन की अगली गेंद स्मर्तबा इंतजार कर दिया गेंद को खाली क्षेत्र में ढकेल दिया पहले बाउंस पर डीप मिड विकेट के बाहर 4 रन. के खिलाड़ी आपको कुर्सी पर बैठना है. अगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको पैनलाइज भी कर सकती है एसीसी के खिलाड़ी. ये देखिए जैसी अनाउंसमेंट की खेल की शुरुआत होती हुई बैक टू बैक 2 चौके इस वक्त सुफियान शेख लगाते हुए हैट्रिक पर इस वक्त पवन
मत्तमान निकल के मार दिया अगेन कारपेट के सारे रोशन के पास, मिल स्पीड और चार रन एफर्ट तो देखिए रोशन का, लेकिन गेंद फरार होती हुई। चौके की हैट्रिक करने वाले इस वक्त आसिफ चिमनाट की तरफ से कोकनी डिश कमेंट्री बॉक्स में आती हुई। मर्तबा उठा दिया डाउन डी विकेट, लेकिन मोगली गेंद के नीचे और कैच छूटा हुआ पहले बाउंस पर अब जाके उठाते हुए दो रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 36 रन पवन के सामने अब हवाई यात्रा करते हुए सुफियान शेख। अभी भी दो गेंदे शेष, मर्तबा उठा दिए, ओह गेंद दूर कहीं गिरती हुई 6 रनों के लिए आउट ऑफ द पार्क। आपण जर पाहिलं जिममध्ये ते प्रशिक्षक आहेत, प्रचंड ऊर्जा आहे त्यांच्याकडे, ताकद आहे, त्याचा पुरेपूर उपयोग केला गेलेला आहे। आणि या षटकारच्या जोरावरती दहा फलकावरती धावा झळकलेल्या आहेत, 42 धावा, कुठेही वाटत नव्हतं जेव्हा चौथं षटक टाकायला सुरुवात झाली त्यावेळेस अशा पद्धतीने 40 अधिक धावा उभारल्या जातील। पहिल्या षटकात 7 धावा, दुसऱ्या षटकात 5 धावा, तिसऱ्या षटकात 10 धावा, त्या जोरावरती 22 धावा झळकल्या होत्या। मात्र आपण जर पाहिलं तर आतापर्यंत 20 धावा या पूर्ण केल्या गेलेल्या आहेत। खूप सुरेख सुंदर फलंदाजी, चौकाराची हॅट्रिक पूर्ण झाली, दुहेरी धाव, त्यानंतर षटकार आणि त्या जोरावरती आपण पाहतो 5 चेंडूत 20 धावा आणि 10 फलकावरती धावा झळकत आहेत 42। उठा दिया हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और सुफियान शेख का कैच छुट्टा हुआ, तीसरे के लिए जाते हुए और आउट सुफियान शेख। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन और 45 का लक्ष्य संघर्ष समता नगर के सामने। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे, जहाँ पर मेरे साथी कमेंटेटर गायकवाड़ सर तैयार होते हुए टॉस बॉक्स में टॉस के लिए। नितिन शिलार यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करणार आहात। आम्हाला मॅन ऑफ द सिरीज साठी पाहिलं तर सुरेख अशा पद्धतीने योगदान देणारे नितिनजी शेलार आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी करणार आहोत। नक्कीच नाण्याच्या एका बाजूला दत्ता कथोरे यांची प्रतिमा, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय कैलासवासी यशुदाम राणे यांची प्रतिमा। तर नाणेफेकी होते नितीन शेलार यांच्या शुभ हस्ते, श्राउंड स्पोर्ट भोकरी वर्सेस गावदवी स्पोर्ट्स सापे या दोन मातब्बर संघांच्या दरम्यानची ही लढत। आणि सुदाम राणे अशी मागणी केली होती, परंतु दत्ता कथोरे यांची प्रतिमा आलेली आहे। नाणेफेकीचा कोल निश्चितपणे जिंकल्या दरम्यान नितीनजी शेलार साहेब आपली रजा घेत आहेत। श्रावण स्पोर्ट भोकरी संघानं नाणेफेकीचा कोल जिंकलेला आहे, तर आपला निर्णय काय असणार आहे? आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार। 4 षटकांचा सामना आहे, गावदेवी सापे संघ एक मातब्बर संघ ओळखला जातो, या संघाला किती धावांवरती रोखण्याचे मनसुबे ठेवलेले आहेत? 40 थांबवण्याचा प्रयत्न करू। नक्कीच, आपण जर पाहिलं तर खासदार चषकामध्ये अतिशय देखणी कामगिरी त्यांच्याकडनं झाली होती, कुठेतरी आपला अभ्यास पूर्ण असेल। निश्चितपणे भोकरी गावाचे दोन संघ खेळत होते, मात्र आता पुन्हा संघ एकत्र आलेला आहे का? हो नक्कीच, निश्चितच। आपण जर पाहिलं तर क्रिकेट हे एकतेचं प्रतीक आहे, दोन संघ गावात असणं, मी जेव्हा समालोचनाला कर बसतो तेव्हा मला ते आवडत नसतं, कारण एक संघ सर्वोत्तम खेळावा अशी माझी स्वतःची अपेक्षा असते, गावानं एकतीचं प्रत्येक दर्शवावं, कारण क्रिकेट एकतीसाठी आहे। असू द्यात,
तर या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर एकतेच्या माध्यमातून तुम्ही सरपंच चषक सापे येथे अतिशय देखणी कामगिरी केली होती, तर तशीच कामगिरीची अपेक्षा असेल आणि या स्पर्धेबद्दल आपल्याला काय वाटतंय? खूप चांगलं असं आयोजन केलं आहे आणि यावर्षी या टोल नाक्याच्या मैदानावर त्यांनी टुर्नामेंट आयोजित केली, त्याबद्दल त्यांचं मी धन्यवाद मानतो. नक्कीच, आपण एका रंगतदार सामन्याची आम्ही साऱ्या अपेक्षा करू शकतो. हो नक्कीच. दरम्यान जर नाणेफेकीचा कोल सापे संघाच्या बाजूने असतात, आपला निर्णय काय असता? फलंदाजीच असते. फलंदाजीच केली असते आणि आताही फलंदाजी करणार आहात, तर किती धावा जोडण्याचे मनसुबी ठेवलेले आहेत? 55+ जाण्याचा प्रयत्न करू. 55 अधिक धावा जोडत असताना मुख्य जबाबदारी कोणाची राहील? अक्षय, भगवान आणि भावेश. अक्षय, भगवान आणि भावेशची असेल. आणि तुझी जी भूमिका आहे ती किती असेल आतिश? माझं मी 100%पेक्षा जास्त देण्याचा प्रयत्न करेन. नक्कीच, आपण पाहिलं तर खासदार चषकामध्ये आपली कामगिरी अतिशय दर्शनीय राहिली. त्यानंतर मात्र आपण जर पाहिलं तर संघ जी कामगिरी करण्याची अपेक्षा त्यांच्या पाठीराख्यांची ती करू शकला नाही, त्याच्या मागचं काही कारण असू शकेल? नाही, थोडंसं रणनीतीमध्ये आमचं थोडंसं चुकतं आहे, ते सुधारण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. नक्कीच, या स्पर्धेच्या आयोजनामध्ये आपल्याला काय वाटतं? अतिशय चांगले आयोजन केलेलं आहे सुधम स्वर बाधानेने आणि त्यांनी आम्हाला संधी खेळण्याची संधी इथे दिल्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो. नक्कीच, नाणेफेकीचा कोल आहे तो श्रावण स्फोट बोकरी संघाने प्राप्त केला. प्रथम क्षेत्रक्षणाचा निर्णय घेतला आहे, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय आईगाव देवी सापे संघाला. माईक ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स जिथे सज्ज आहेत माझे साथी समालोचक आदित्य जाधव. बहुत बहुत धन्यवाद गायकवाड सर. 45 का पीछा करने के लिए दोनों ओपनर्स बीच है मैदान पर. दी सनत जय सूर्या भिवंडी, रोशन जाधव और उनके साथ पप्पू थोरा तत्ते भाई. देखिए नरेश गोरले हमसे जुड़ते हुए, श्रावण भोकरी की कैप्टन. कद बेशक छोटा है लेकिन क्लास बहुत बड़ा है उनका जब बल्लेबाजी करते हैं, और आउटफील्ड में तो बहुत गजब के खिलाड़ी हो. बिल्कुल, जिस तरह से छोटे कद के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, ततेंद्र तैबू, बहुत महान खिलाड़ी थे. खेल की शुरुआत होती भी दोनों अंपायर्स बीच मैदान की तरफ जाते हुए हसन मोबीन और आफ्ताब अंसारी. दिखने में राज कपूर की तरफ आफ्ताब अंसारी, लंबे घने बाल इस वक्त उनके, और दिखने में बिल्कुल एक कंधे को टेढ़ा करते, और अनिल कपूर कि जिस तरह की चलने की स्टाइल है, ये देखिए आफ्ताब अंसारी का कुछ अलग रंग और ढंग. हालांकि इस लक्ष्य को देखकर कुछ पड़गे के खिलाड़ी भी चिंतित नजर आते हुए सामने की स्टैंड में तौसीफ शेख, उनके बगल में कुछ अच्छे खिलाड़ी है पड़गा टेनिस क्रिकेट के. जैसी रन सुफियान शेख बनाते थे वैसे वो निराश नजर आ रहे थे. लौट चलते हैं अब लेट सुदाम राणे मेमोरियल ट्रॉफी की दुनिया में. पड़गा टेनिस क्रिकेट का हम और एक बिग शो देख रहे पड़गा टोल नाका क्रिकेट ग्राउंड से. खेल की शुरुआत करनी है दोनों अंपायर से. इसके बाद आई गाउदेवी सापे बनाम श्रावण भोकरी. आज हम महान टीमों को भी दिखने जा रहे हैं जिसमें नानकर की टीम खेलने वाली अक्षय थेटे, मयूर दलवी, संकेत, कई ऐसे महान खिलाड़ी है जिन्होंने अंबरनाथ कल्याण ग्रामीण वाड़ा के परिसर में धमाका मचा दिया है. खेल की शुरुआत होती भी सुनील वार्की के साथ सामना करते हुए रोशन. राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए बायत के बैट्समैन रोशन के लिए. मर्तबा लगभग क्या छूटा हुआ पर विकेट कीपर से सलमान थे विकेट कीपर, अगेन हाथ से छिटक गई. एक मौका बन सकता था, बड़ी मछली जाल में जरूर फंस सकती थी इसी पड़गा के, लेकिन क्या जो छूटा हुआ और सपना टूटा हुआ. 45 का पीछा करती भी रोशन एक ऐसे बैट्समैन है जो गेम को कभी भी चेंज कर सकते हैं. मुकुल आयर इस वक्त मैच को देखते हुए
मरतबा घूम के मारने की कोशिश, लेकिन रोशन जादव को गेंद घुमाती भी चली गई ऊपर। अब जाके गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते हुए सुनील वारके बहुत गजब की नफी तुली और चैनल में गेंदबाजी होती भी सुनील वारके की। गायकवाड़ सर देखा जो तो पावर प्ले का खेल चल रहा है, और हालांकि पावर प्ले में संघर्ष समता नगर ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। रोशन जादव जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे उन्होंने सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। नेट टू नेट फाइट चलती भी दोनों टीमों के बीच में। समर्थबा उठा दिया गेंद को वाइडिश डीप मिड विकेट के बाहर, देखना क्या कुछ हुआ वहां पर। 6 रन। सनत जय सूर्या भेवंडी उनके स्टाइल में शॉट्स को खेला था, मिडल किया था और विद दी टाइट और स्वंग कर दिया था दूर, कई गिरती भी आसमान में काफी दूर चली गई थी गेंद 6 रनों के लिए। अतिशय सुरेख सुंदर अविस्मरणीय अशा पद्धतीचा फटका आपल्या पाहायला मिळाला। पुढचा चेंडू आता मात्र नक्कीच थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू सुंदर एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये दर्शनीय षटकार पाहायला मिळतोय। शॉट ऑफ द डेज असं आपण म्हणू शकतोय, अप्रतिम षटकाराच्या थोरावरती अपने तेवर को पूरी तरह से चेंज कर दिया था, और इसलिए मैंने कहा था कि भिवंडी के सनत जयसूर्या इस पर बल्लेबाजी करी और क्या शॉट खिलाई, क्या क्लास झलकता उस शॉट्स के पीछे। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस प्रकार के शॉट्स हम डेविड वार्नर कई ऐसे मान खिलाड़ी के बल्ले से हमने देखते हुए, सनत जयसूर्या भी इस प्रकार के शॉट्स खेलते थे। सौरभ गांगुली फिर से कदमों का इस्तेमाल, लपेट लिया इस मरतबा गेंद डीप मिड विकेट पर चली गई। बढ़िया फील्डिंग लेकिन खराब थ्रो, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 45 का पीछा करती भी जवाब बहुत खतरनाक देते हुए संघर्ष समता नगर के बैट्समैन। नक्कीच आपण जर पहिल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती डावखुरे फलंदाज शिखर धवनचे जे फटके असतात त्याच फटक्याची री या ठिकाणी ओढली जात होती, आता मात्र उजव्या हाताने फलंदाजी करणारा फलंदाज पप्पू हा सामोरा जाईल। 13 धावा धावपलकावरती बिनबाद 13 धावा चांगला प्रारंभ आपल्याला पाहायला मिळतोय। पहिल्या दोन चेंडूवरती निर्धाव चेंडूची हाताळणी झाली होती, त्याच्यानंतर कमबॅक करतोय। दोन सलग षटकार जोडले गेले, एकेरी धाव जोडली गेली, त्या जोरावरती बिनबाद 13 धावा। दरम्यान सुनील वारके गोलंदाजी सज्ज, विजयाचं लक्ष 45 धावांचं। समोर जातोय पप्पू, आता मात्र पुनश्च थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू डाव्या एसटीच्या बाहेर, पंचांचा इशारा वाईड, एक अतिरिक्त धाव बहाल होते। 14 धावा धावपलकावरती मानसिक दबाव आपल्याला पाहायला मिळतोय गोलंदाजावरती, आणि एसीसीच्या खेम्यामध्ये सुद्धा शांतता पसरलेली आहे। कुठेही आपण पाहतोय हलक्या आवाजात टाळ्या वाजवून गोलंदाजाचा उत्साह वाढवण्याचा प्रयत्न होतो क्षेत्रशाखाकडं। दरम्यान पुढचा चेंडू, आता मात्र एक फुल्लर लेन चेंडू मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये फंबलिंग झाली, एक धाव रोखू शकत नाही। एका धावीच्या जोरावरती धाव पलकावरती धावा झळकत आहेत 15, बिनबाद 15 धावा, उर्वरित 3 षटकांमध्ये 10 सरासरीने 30 धावा जोडायचे आहेत। विजयाचं लक्ष 45 धावांचं, अतिशय सुरेख आश्वासित करणारी सुरुवात फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। भिवंडी के सनत जयसूर्या इस नाम से पहचाने जाते है रोशन, आणि नक्कीच त्याला चांगली साथ देतोय पप्पू। बिलकुल पप्पू थोरात ने आखिरी गेंद के लिए और नीचे बैकलिप का इस्तेमाल किया था, ड्राइव कर दिया था मिड ऑफ की दिशा पर एक रन के लिए। ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बिना किसी नुकसान पर, प्लस पॉइंट ए है कि अभी तक कोई भी विकेट नहीं गवाया संघर्ष समता नगर ने। और एसीसी पड़गा पूरी तरह से अब पावर प्ले के खेल में अगर देखा जाए तो जिसमें 7 बने थे एसीसी के, उसके जवाब में 15, मतलब कहीं ना कहीं पावर प्ले के खेल में पैकफुट पर चली गई। हालांकि अभी भी 3 ओवर में 30 रनों की जरूरत है और अच्छे गेंदबाज बाकी एसीसी पड़गा के बाद सुफियान शेख भी गेंदबाजी करते हैं, मयूर उसके बाद सलमान भी है, कई महान गेंदबाजों का अभी तक आना बाकी है। लेकिन महान बैट्समैन दोनों भी इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और डटे। इसके बाद आई गाउदी भी सापे बनामा
श्रावण भोकरी के बीच में मैच होने वाला है। और एक स्मर्तवा गेंद को अधूरे मन से खेल दिया, ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया, गेंद चली गई शॉर्ट स्क्वेयर लेग की दिशा पर, डीप से खिलाड़ी आते हुए गेंद को उठाते हुए एक रन पूरा करते हुए आई गावदीवी की खिलाड़ी जो पर्दे के अंदर बैठे और पर्दे के नीचे आपको पर्दा छोड़ना है। यस बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कोऑपरेट करने के लिए। एक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। अब स्ट्राइकर सनत जय सूर्य भेवंडी रोशन के पास। रोशन के लिए ऑन साइड की दिशा में अगर देखा जाए तो एक डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर राहुल नटवर लाल के रूप में एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक थोड़ा सा वाइड डाउन द विकेट की तरफ, एक मिड ऑफ की दिशा पर सोहेल शेख के रूप में, ऑफ साइड की दिशा में डीप में इस वक्त दो खिलाड़ी। स्मर्तवा ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा पर सलमान गेंद के नीचे और बढ़िया फील्डिंग एक रन इस बीच पूरा करते हुए और थ्रो था लेकिन सुनील वर्के का अच्छा बैकअप। सिंगल से बैकवर्ड सर अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है एसएससी पड़गा को, हालांकि पहली दो गेंदों पर दो सिंगल आते हुए सुपियान शेख के नक्कीच दोन धावा या पहिल्या दोन चेंडूवरती प्राप्त केल्या आहेत। धावा पलकावरती धावा धडकता आहेत 17। पुढचा चेंडू आता मात्र ते तर्रार चेंडू पंचांकडे जोरदार अपील केला जातो कारण गुडलिंगच्या क्षेत्राच्या पुढे चेंडू पडला होता, चांगली उसळी प्राप्त केली गेली। पप्पू थोरातला हा चेंडू ओळखता आला नाही, एक निर्धा चेंडू पाहायला मिळतोय। धाव पलकावरती धावसंख्या स्थिर, बिनबाद 17 धावा, विजयाचं लक्ष 45 धावांचं आहे। दुसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ, दूसरे ओवर में अब अच्छी गेंदबाजी वापसी करती हुई एसएससी पड़गा और संघर्ष समता नगर संघर्ष करती हुई रनों के लिए। मर्तबा फुल टॉस गेंद, गेंद को भेज दिया है लॉन्ग लेग की दिशा पर प्रतीक जाधव का बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो डीप में, पहले बाउंस पर गेंद को उठा था। एक समय ऐसा लग रहा था कि गायकवाड़ सर गेंद प्रतीक जाधव के सर के ऊपर से चली जाएंगी लेकिन बहुत गजब की फील्डिंग डीप लॉन्ग लेग की दिशा पर, लगभग 3 रन बचाते हुए अपने टीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान पर 45 का पीछा करती हुई समता नगर की टीम। नक्कीच लॉन्ग लेगच्या क्षेत्रामध्ये आपण पाहिलं प्रतीक जाधव याने ॲथलीट इफर्ट लावला, उंच उडी घेतली आणि चेंडू अडवलेला आहे। 3 धावा किमान वाचवल्या 18 धावा धावपलकावरती। दरम्यान रोशन भिवंडीचा सनत जयसूर्य ही त्याची ओळख, पुढे सरसावत अतिशय सुंदर ड्राईव्ह मात्र लॉंगनच्या क्षेत्रामध्ये दर्शनीय सलमानकडनं क्षेत्रक्षण पाहायला मिळतो। एक धाव एका धावच्या जोरावरती धावपलकावरती धाव धडकतात 19। चांगली गोलंदाजी आपल्याला दुसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली, सुपयान शेखचं कौतुक करावं लागेल, दर्जेदार गोलंदाजी, टिच्चून मारा केलेला आहे आणि आश्वासित केलेला आपल्या संघाला। दरम्यान सुपियान गोलंदाजी करेल, डावी आणि उजव्या हाताने फलंदाजी करणारी ज्या जोडी खेळपट्टीवर असते त्यावेळेस मात्र आपण पाहतोय वारंवार क्षेत्रक्षणाच्या रचनेमध्ये बदल करावा लागतोय। दरम्यान पुढचा चेंडू सुफियानचा समोर जाईल पप्पू, नक्कीच सुंदर चेंडू होता तेवढा सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळाला वाडीश मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये। एक धाव एका धावच्या जोरावरती धावपलकावरती धाव धडकत आहेत 20। निश्चितपणे सुरेख दर्जेदार गोलंदाजी, दोन षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय। उर्वरित 12 चेंडू आणि 25 धावांचं आव्हान येऊन ठेपलेलं आहे। पहिल्या षटकात आपण जर पाहिलं तर 15 धावांचा पाऊस पडला मात्र दुसऱ्या षटकात केवळ 10 बाल झाल्या 5, अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी। निश्चित रूप से जबकि 3 ओवर में 30 रन चाहिए थे और सिर्फ 1 ओवर में 5 रन खर्च किए सुफियान शेख ने, बहुत नफी तुली गेंदबाजी। इस वक्त श्रावण भोकरी के कुछ खिलाड़ी का आगमन भी होता हुआ, इसके बाद उनका मैच है, बची हुई 12 गेंदों पर 25 की जरूरत है। ड्रिंक्स की सुविधा उपलब्ध करनी है, वॉलेंटियर्स पानी की सुविधा उपलब्ध करनी है आपको। यदि के समता नगर के वो समर्थक
हालांकि कमेंटेटर सब खिलाड़ी को जानते हैं ऐसा नहीं है। उसका कहीं ना कहीं फटका समता नगर टीम को ना लगे। ना टेनिस क्रिकेट अब बहुत साफ सुथरा चल रहा पड़ गया टेनिस क्रिकेट में। इसके पीछे खिलाड़ी का सपोर्ट और कई टीमों के कैप्टन और उनके स्पॉन्सर का सपोर्ट है और खिलाड़ी की खेलने की जो सिचुएशन है। यस पड़गा टेनिस क्रिकेट बहुत ऊंचाई तक जा चुका है। नक्कीच आदित्य जर आपण पाहिलं तर अतिशय शिस्तबद्ध अशा पद्धतीनं पडघा टेनिस क्रिकेटची ओळख आहे आणि याचं सारं श्रेय आपण जर पाहिलं तर अनेक आयोजकांना जातं आहे। मी निवृत्ती पाटील यांचं नाव अग्रक्रमाने घेईन की स्वर्गीय हरिभाऊ पाटील चषकाचं जे आयोजन झालं होतं तिथे त्यांनी शिस्तबद्धता जी दाखवली त्याचीच री अनेक स्पर्धामध्ये ओढली गेली आणि अनेक आयोजक आहेत आपण जर पाहिलं तर त्यांच्याकडनंसुद्धा अतिशय शिस्तबद्ध स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला भेटतं। या स्पर्धेमध्ये आपण जर पाहिलं तर निश्चितच दर्जेदार कामगिरी पंचांची दरम्यान बिलकुल समर्थक समतानगर के उनके पर्दे के बाहर जाना है। सचिन आपका सपोर्ट चाहिए आपकी टीम के लिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है। उतने रूल्स और अथॉरिटीज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को रहती है। जब आप प्लेटफॉर्म देखते थे उस पर रूल्स और रेगुलेशन में लिखा जाता है। मयूर की अगली गेंद सामना करते हुए पप्पू मरतबा उठाने की कोशिश खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में लेकिन गेंद चली गई शॉट वाइड ऑफ मिड ऑन की दिशा पर। सलमान ने गेंद को उठाया एक रन इस बीच पूरा करते हुए सिंगल के साथ 21 पर जाता हुआ स्कोर। नक्कीच का खेल सुरू है 21 धावा धावपलकावरती विजयाचं लक्ष 45 धावांचं गावदेवी सापे संघाचे खेळाडू आपण पाहतोय। खासदार चषकामध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजाचा मान संकेत माळीनं पटकावला होता। तो कशी गोलंदाजी करतोय त्याच्यावरती सुद्धा आशा असेल आणि नजरा असतील त्यांच्या पाठीराख्यांच्या। दरम्यान डीजे मॅन शुभम यांचं आगमन झालेलं आहे। मी एवढी नक्कीच विनंती करेन की त्या ठिकाणी आपण थोडीसं आम्हाला सहकार्य करायचं आहे। डीजे ऑपरेटिंग थोडी करायची आपल्याला। डीजे शुभम बिल्कुल सापे गांव में कई ऐसे शख्स थे जो डीजे ऑपरेटिंग। इस मरतबा गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की सीमा रेखा के बाहर 6 रन मुकुल आहिर को निशाना बनाया था रोशन जाधव ने। डीजे आपको रुकना है क्या? अतिशय उत्कृष्ट फटका आपला पाहायला मिळाला आणि डीजे आकाशने जे गाणं लावलंय ते सुद्धा उत्कृष्ट। आता माझी सटकली रोशनची नक्कीच आपण जर पाहिलं तर सटकलेली आणि लॉंग ऑफच्या क्षेत्रातला दर्शनीय षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय। अप्रतिम षटकार आपने बताया ना गायकवाड सर क्या सिक्सर के साथ स्कोर आगे उछलता हुआ 27 रन। इस सिक्सर ने अब फिर एक मरतबा मैच में गर्मी लाई है। मयूर मुड़ता है लेफ्टा में और दी विकेट मरतबा उठा दिया गेंद को सुपियान छे गेंद के नीचे ओ ये देखिए सूरज की किरणें उनके आंखें के ऊपर और गेंद सर के ऊपर से देखना क्या कुछ हुआ वहां पर बताना है अंपायर का डिसीजन क्या था है। चार रन अब ना उसमें सुपियान शेख की गलती। हालांकि जब सूरज की किरणें आपकी आंखों पर आती है तो क्या पहन कर आपको आउटफील्ड में खड़ा रहना पड़ता है लेकिन चार किस्मत वाले बनते हुए 31 अभी भी 14 रनों की जरूरत 9 गेंदों पर। छोटी गेंद फोर्स कर दिया है गेंद के नीचे खिलाड़ी और बड़ी मछली जाल में फंसती भी सनत जय सूर्य भिवंडी रोशन जाधव बैक टू दी पवेलियन।
की पारी खेलकर आउट होते हुए रोशन, जिसमें तीन सिक्सर के मदद के साथ एक चौकी के मदद के साथ 25 रन बनाए थे अपने टीम के लिए। एक विशाल और विस्फोटक और कीमती पारी खेलने के बाद आउट होते हुए नए बैट्समैन रोशन भूई रहते हुए रोशन जाधव की जगह लेने के लिए। लेकिन पप्पू थोरात ने कुल मिलाकर 6 गेंदों का सामना किया और उसमें सिर्फ 5 रन बनाए। सवाल पूछा वहां पर, लेकिन आउट होते हुए पप्पू थोरात, विकेट फेंक दिया तोहफे की तरफ, विकेट नंबर 2 गिरता हुआ पप्पू थोरात के रूप में। अभी भी 7 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत। नए बैट्समैन अनीश छन्ना आते हुए सामना करते हुए मयूर का एक सिक्सर और एक चौका लगने के बाद गेंदबाजी में वापसी करते हुए 2 तुम्हारी तो 2 हमारी। अब पहली 2 गेंदों पर इससे पहले 10 बने थे, उसके बाद 2 विकेट लेते हुए मयूर अपने टीम के लिए। अनीश के लिए इस वक्त लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए कुरुन एंड के जानिब से छोड़ दिया वहां पर अब स्टंप के बाहर वाइट, 32 पर जाता हुआ स्कोर एक्स्ट्रा के मदद के साथ। अभी भी 13 रनों की जरूरत, 7 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। एक बड़ा शॉट मैच में वापस लेकर आएगा संघर्ष समता नगर को। एक अच्छी गेंद मैच पर मजबूत और पकड़ बनी लेगी और हवी होंगी एसीसी पटगा। स्मर्ताबा हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद को विकेट कीपर ने उठाया और पहले बाउंस पर सुनील वारके थे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन और बची हुई 6 गेंदों पर लगभग 12 रनों की जरूरत। एक ओवर और गायकवाड़ सर 12 रन चाहिए अब जीतने के लिए संघर्ष समता नगर को। नक्कीच अतिशय रंगतदार रोमहर्षक लढतीकडे आपण जात आहोत। एक षटक शेष आहे, म्हणजे 6 चेंडू आणि 12 धावांचं आव्हान असेल आणि धडाकेबाद फलंदाज तंबूत परतलेत। परंतु क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे, ज्या पद्धतीनं एसएससी संघानं फाईट दिलेली आहे ती सुद्धा कौतुकास्पद आहे। चौथं षटक अतिशय निर्णायक असेल, कारण पहिल्या षटकामध्ये धावांची लयलूट करण्यात आली। जे षटक सुनीलला हाताळलं होतं त्या षटकामध्ये 15 धावा वसूल केल्या गेल्या, मात्र सुफियाननं चांगला पलटवार दिला, गडीएकी बाद केला नाही, मात्र 5 धावा दिल्या गेल्या। मयूरच्या षटकात धावांची पुन्हा लयलूट आपल्याला पाहायला मिळाली, एक गडी बाद केला मात्र धावा बहाल केल्या 13, आणि त्या जोरावरती धावफलकावरती 33 धावा झळकत आहेत। 6 चेंडू आणि 12 धावांचं आव्हान टेपलं असेल सलमान गोलंदाजीसाठी नाही, सुभाषच्या हातामध्ये चेंडू येतोय। कुठेतरी आपण पाहतोय रणनीतीमध्ये कर्णधार बदल करतोय। निश्चित रूप से इस वक्त आकाश जाधव और मुकुल आयर की तरफ से एसीसी पड़गा को ऑल दी बेस्ट है, लेकिन ऑल इज वेल चलता हुआ इस वक्त। पड़गा के डैशिंग पर्सनालिटी कुणाल पटोले, आकाश जाधव, मुकुल आयर, इन तीनों की तरफ से एसीसी पड़गा को ऑल दी बेस्ट है और ऑल इज वेल चलता हुआ। नक्कीच 6 चेंडू आणि 12 धावांचं आव्हान, सुभाष वारके गोलंदाजी सज्ज सामोरा जाईल। धडाकेबाज फलंदाज आपण पाहतोय मैदानावरती, अनीश मध्ये क्षमता आहे तर रवी गोलंदाजी करतोय। रवी वारके बरबक्कम शरीर एष्टी आहे आणि एसीसी संघाचा अनेक वर्ष आपण जर पाहिलं तर हा आधारस्तंभ राहिलेला आहे। नेहमी 12 खेळाडू असतो, परंतु आज 11 संधी मिळाली, नवे तर गोलंदाजी सुद्धा संधी मिळाली रवीला। नहीं, खासदार कप में उन्होंने बहुत अच्छा ओवर किया था, सिर्फ 2 रन देते और अगले मैच को उनको 12वें खिलाड़ी के रूप में भेजा था और वहीं पर एसीसी पड़गा मैच हार गई थी। आपको तो मालूम होगा, अभी वहीं पर मेरे साथ कमेंट्री पैनल में थे। और दी विकेट रविवार के स्मर्ताबा ड्राइव करते हुए गेंद को सुपियान शेख के पास, मिस फील्ड, 4 रन। आउटफील्ड का एक
हर अच्छा खिलाड़ी आपके टीम के लिए हर मैच में रन बचाता और मिस फील्ड सुपियान शेख की और रवि वारके के ऊपर ऑटोमेटिक मानसिक दबाव अब निर्माण होता हुआ। मर्तबा अच्छी गेंद, देखना क्या कुछ हुआ है, वहां पर गेंद चली गई शॉर्ट थर्ड मैन पर, लेग बाई का इशारा था हसन मोबीन का। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन बची हुई, अब चार गेंदों पर 7 रनों की जरूरत। नक्की जर आपण पाहिलं तर अतिशय सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळाली, गोलंदाजी पाहायला मिळाली सुफियानकडनं, मात्र एक झेल सुटला सुफियान ज्युनियरकडनं आणि ज्या पद्धतीने चौकार बाहेर केलेला आहे, जर एस सी संघ या सामन्यामध्ये पराभूत झाला तर त्याला कारणीभूतसुद्धा सुफियान ज्युनियर ठरणार आहे, अशीच त्याची क्षेत्रक्षणाची भूमिका आपल्याला पाहायला मिळाली। क्षेत्रक्षण अतिशय सुमार दर्जाचं, नक्कीच सुफियान शेख ज्युनियरकडनं आपल्याला पाहायला मिळते। दरम्यान रवी गोलंदाजी सज्ज होईल, सामोरा जाईल डावखुरा फलंदाज रोशन भोईर, क्षमता आहे या खेळाडूमध्ये मोठे फटके खेळण्याची, तर रवीला सुद्धा अचूक टप्प्याचा मारा करावा लागेल। रवी गोलंदाजी सज्ज होतोय, चांगला भर भक्कम शरीर यष्टी आणि मोठा रनअप आपल्याला पाहायला मिळतोय। नक्कीच एक मोठा फटका, तगडा फटका, चेंडू हवे, चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक दर्शनीय झेल सलमानकडनं टिपला जातोय, अतिशय सुरेख सुंदर झेल। धन्यवाद डीजे, वहां पर समीर शेख और तौसीफ शेख दोनों भी खड़े होते हुए अपने खुर्चियों को छोड़ते हुए मैच में गर्मी एक बार फिर लौटती भी। नक्की ज्या ठिकाणी डीजे शुभम यांचा सन्मान केला जातोय, मी सन्माननीय राणे साहेब यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभहस्ते डीजे शुभम याला सन्मानित करायचं आहे। अतिशय सुरेख साथ नेहमीच लाभत असते या पडगाव परिसरातील अनेक डीजे मालक आहेत, परंतु डीजे शुभम याची सुद्धा आपण जर पाहिलं तर योगदान अनेक स्पर्धांमध्ये आम्हाला लाभत असतो, त्याचा सन्मान केला जातोय। सुदाम स्मृती चषक 2019 उत्तमजी राणे साहेब यांच्या शुभहस्ते डीजे शुभमला सन्मानित केले गेलेले, 3 चेंडू शेष आणि 7 धावांची गरज, सामन्यामध्ये रोमहर्षकता वाढलेली आहे, रंगतदारपणा आलेला आहे। नक्कीच सामना कोणाच्या बाजूने झुकेल याचं भविष्यवाणी कोणी करू शकत नाही। रवीचा पुढचा चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, चेंडू जातोय लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये, पळून एक धाव पूर्ण केली जाते। लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय मिळोनच्या क्षेत्रापर्यंत धाव घेतोय आणि कुठेही अतिरिक्त धाव बाल होणार नाही याची दक्षता घेतोय, कारण बोचरी टीका त्याच्यावरती झालेली आहे आणि कुठेतरी दुखावलेला आहे सुफियान शेख ज्युनियर। आता मात्र क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा आपला उंचावा लागेल याची पूर्ण जाणीव आहे। 2 चेंडू 6 धावांची गरज विजयासाठी, संघर्ष समतानगर संघाला। बिल्कुल अब संघर्ष करती भी रवि वारके की अगली गेंद नए बैट्समैन विजय के लिए, छोटी गेंद पहले ही बल्ला चला था पर अपने आप को पोजीशन में नहीं लाता और छोटी गेंद को पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे बैट्समैन विजय, लेग बाय का इशारा था वह, एक रन बनता हुआ स्कोर में कुल मिलाकर 40, अब 5 रनों की जरूरत और गोल्डन 6 लगाना होगा क्योंकि चेसिंग कंपलसरी, अगर 4 बनाते तो फिर टाई होगा और टाई में जीतूंगी इसी पड़गा की, सिक्सर लगता तो फिर जीतूंगी। संघर्ष संतानगर की। अनिश गोल्डन षटकार लगावतोय का पाहूया, एक चेंडू 5 धावीची गरज म्हणजे षटकाराची गरज आहे। दरम्यान आकुट टप्प्याचा चेंडू, नक्कीच सुवर्ण संधी होती परंतु या चेंडूवरती मिळतील 4 धावा, अशा पद्धतीनं संघर्ष समतानगरचा संघर्ष पहिल्या फेरीमध्ये समाप्त होतोय। उजवणी संघाचं आगमन झालेलं आहे, स्वागत आहे। नक्कीच एस के ट्रॉफीमध्ये गतवर्षी 6 चेंडूत 6